हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि. वेलकम टू द चैनल. एंड यस, हियर आर द क्वेश्चन दैट आई हैव आइडेंटिफाइड फॉर यू. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन दैट यू कैन चैलेंज. सो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन चैलेंज करेंगे सो वी नीड सर्टेन प्रूफ एज वेल. तो हमने यहाँ पर आपको प्रूफ भी रेडी कर दिया है. आपको सिर्फ इस PDF को डाउनलोड कर लेना है एंड यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन. सो बिफोर मूविंग अहेड, आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द कम्प्लीट सोल्यूशन. बट बिफोर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी शुड चैलेंज इट. सो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इवनिंग आई विल प्रोवाइड द कम्प्लीट सोल्यूशन एज वेल. नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन, आई हैव द सोल्यूशन. जो भी क्वेश्चन आपके PYQ से आए, देखिए डायरेक्ट सेट से आया आपका ये क्वेश्चन. एंड हैमिल्टन ग्राफ, ये आपका ग्राफ समरी से क्वेश्चन था. रेड ब्लैक ट्री, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव. फीचर ड्रिवन FDP, ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था. फंक्शन एंड रिकर्सन में फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये आपसे पूछा गया. सो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर टू अ फंक्शन, यस आई टॉट यू. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे गए हैं. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट मैंने PPT ओपन करके रखा हुआ है. एंड डेफिनेटली टुमारो आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर दिस. वन मोर क्वेश्चन, डायरेक्टली ये गेट 2015 से जो हम डेटा लिंक लेयर में प्रैक्टिस करते हैं, 20,000 आंसर है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए. तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे कंटेंट से रिपीट हुए हैं. दैट्स वाई आई थिंक कि हमारा इतना अच्छा स्कोर बन रहा है. नाउ सी कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं फॉर चैलेंजेस, ओनली 4 क्वेश्चन आई हैव आइडेंटिफाइड, बट यू कैन चैलेंज देम. सभी को सारे क्वेश्चन चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डिवाइड इट एंड शेयर चैलेंज विद योर फ्रेंड एज वेल. सो यदि कोई एक स्टूडेंट भी चैलेंज करता है और यदि एक्सेप्ट होता है सो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू विल गेट द बेनिफिट. करेक्ट, जिन्होंने ऑलरेडी करेक्ट आंसर लगाया हुआ है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हाँ जिन्होंने नहीं लगाया है उनको डेफिनेटली यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है क्वेश्चन ड्रॉप होने पर. देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर उन्होंने गलत दिया है और ऑलरेडी आप करेक्ट करके आए हो, है ना, तो उस केस में आपको डेफिनेटली उसके मार्क्स मिलेंगे फॉर द करेक्ट आंसर. लेकिन ये सपोज कि वहाँ क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, तो ड्रॉप होने के केस में क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलते हैं. जो आपका टोटल 300 है, 300 की जगह सपोज 1 क्वेश्चन यदि ड्रॉप होता है तो आपका जो कैलकुलेशन है वो आउट ऑफ 298 किया जाएगा. बात वही है, प्लस 2 करना या फिर माइनस 2 करके कैलकुलेशन करना. तो लेकिन हाँ, वहाँ हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं होता. तो कई स्टूडेंट इसमें वरीड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन काउंट नहीं किया गया. तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इन्होंने बोला कि 793, ये क्वेश्चन आईडी है, आप इसको नोट डाउन कर ले. एंड यस, सेलेक्ट द शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट आर स्टेबल. स्टेबल सॉर्टिंग मतलब पहले जो इनका इनपुट में जो सीक्वेंस था यदि सेम की है तो आफ्टर शॉर्टिंग सेम की का ऑर्डर मेंटेन है. सपोज कि ये रश्मि, रश्मि के बेसिस पर शॉर्टिंग हुई है, नेम के बेसिस पर हुआ है एंड देयर आर द 2 रश्मि. सो जो इनका सीक्वेंस प्रीवियसली था अभी भी ये मेंटेन हो रहा है तो इसको बोलते हैं स्टेबल शॉर्ट. एंड अकॉर्डिंग टू देम जो ऑप्शन है वो 4 है, दैट इज BCE, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट एंड शेल शॉर्ट आर द स्टेबल शॉर्ट. बट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल मर्ज शॉर्ट is also stable. Yes, quick shot is not stable. Quick shot stable नहीं होता, but merge shot is also stable. So we can challenge this question. Option is incorrect. है ना? You can mention it. Option is incorrect. Merge shot is also stable and it is not given. ना? Option are not given. So yes, ये आपका drop हो सकता है. इसको cancel किया जा सकता है. Now second जो question ID है वो 759 है. In this question, 40 software professional were interviewed for the 20 job. Now 25 knew the Python and 20 knew the Java and 7 knew neither language. Then how many knew both language? तो basically inclusion exclusion का ही question है. लेकिन यहाँ पर देखिए 7 knew neither. So what we can do? 40 minus 7 से we will do the calculation. 33. Out of 33 ये आपका बन जाएगा P union Java.
है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन की वैल्यू हो जाएगा 33, देन नंबर ऑफ पी दोज हु नो द पाइथन 25, दोज हु नो द जावा इज 20, एंड पी इंटरसेक्शन जे आपको कैलकुलेट करना है. सो 45 माइनस 33 विल गिव यू 12, एंड नो ऑप्शन हैज द वैल्यू 12. सो करेक्ट, मैंने यहाँ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर डिजाइन कर दिया है, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो. सेकेंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 770, यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन मेंशन किया है, दे आर आस्किंग अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर, बट असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसरिंग नहीं किया है, आंसरिंग हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर. सो अगेन नो ऑप्शन मैचिंग, अगेन नो ऑप्शन मैचिंग. दिस इज द करेक्ट एक्सेस ऑर्डर, रजिस्टर, कैशे, रैम, SSD, HDD, ऑप्टिकल डिवाइस और मैग्नेटिक टेप. सो यस, वी कैन चैलेंज दिस वन एज वेल. एंड द लास्ट क्वेश्चन आई हैव इज 728. द क्वेश्चन नंबर 728, इफ L1 एंड L2 आर कॉन्टेक्स्ट फ्री. सो देखिए, L1 इंटरसेक्शन L2, व्हाट वी से, इट मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी CFL, है ना. सो दैट्स व्हाई जो इंटरसेक्शन है ये CFL होगा नहीं, ये रेगुलर होगा नो, लेकिन ये रिकर्सिवली इनुमरेबल होगा. नाउ सी, CFL इज सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इनुमरेबल, एंड ऐसा भी बोल सकते हैं कि CFL इज अ सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, दैट इज द सबसेट ऑफ रिकर्सिवल इनुमरेबल, एंड बोथ आर क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन. सो यस, जब आप सबसेट की बात कर रहे हो सो डेफिनेटली CFL विल बी, है ना, CFL कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होगी और रिकर्सिवली इनुमरेबल भी होगी. सो 3 and 4 बोथ कैन बी आंसर. तो इस केस में ये भी हो सकता है कि जिन्होंने आंसर 3 करेक्ट किया है आपको भी मार्क्स मिले, और जिनका ऑप्शन 4 होगा उनको भी मार्क्स मिले. तो इस तरीके से बेनिफिट हो सकता है. यहाँ मैंने समरी मैंशन कर दी है, आप अगेन इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं अभी भी. वैसे तो मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मैंने ऑलरेडी ये कम्प्लीट पेपर यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, बट यदि अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, हमारे पास कल का टाइम है, आप कनेक्ट हो सकते हो और मुझसे शेयर कर सकते हो. एंड इट इज 10 PM, आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू, सो एक लाइक तो बनता है. सो प्लीज डू लाइक दिस सेशन. टेलीग्राम चैनल पर, यस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके लिए PDF अपलोड कर दूंगी, सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दिस वन, करेक्ट. सो टेलीग्राम चैनल आई होप यू नो इट इज @RashmiJRFGuru. सो ऑल द वेरी बेस्ट. चैलेंज करने के पहले आप ग्रुप में डिस्कशन कर लें और फिर उसके बाद सभी मिलकर चैलेंज करें. थैंक यू एवरी वन. गुड नाइट, टेक केयर.